तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार पैलक, नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैं आशुतोष आप सबका स्वागत करता हूँ देवभूमि भ्रमण में। तो आज कल जो सारे मेहमान आए थे वो आज जा रहे हैं, तो उनके लिए सबसे पहले हमारे पास होते हैं माल्टा। तो माल्टा उनके लिए सफर के लिए तोड़ रहा हूँ, दो तीन दाने सबके लिए रखते हैं। और सुबह का समय हो रहा है, लगभग 7:30 का वक्त हो रहा है, तो अभी थोड़ी देर के बाद 9 बजे वाली गाड़ी आएगी, तो वहां तक उन लोगों को छोड़ूंगा। तो सबसे पहले हम उन लोगों को, ये माल्टा का पेड़ है तो माल्टा खिलाते हैं उनको और फिर शुरू करते हैं। पर ये पहुंच नहीं पा रहा है, तो ये पहाड़ी घूम जाता है हमारा, लेकिन ये 1 घंटा लगा दे रहा है एक माल्टा तोड़ने में। बताओ, दिखा, गुड, 1 घंटा एक माल्टा तोड़ने में लगा रहा है, तो फिर कैसे चलेगा? खड़ी हो, खड़ा हो, अरे हो जा यार, अरे हो जा बाबा, अरे हो, नीचे होता, फिर नीचे होता, तो कुछ काम का नहीं, नीचे होता। ये घुघेट बिल्कुल काम नहीं आया, ये खुद कर लेगा कह रहा है, पता नहीं जो करने वाला होगा। और इसने हमारा सारा सब्जी तोड़ दिया, सारा को चल दिया अपने पैरों से। तो दोस्तों माल्टा तोड़ दिए हैं, अब चलते हैं घर को। और ये दोनों ने मदद की, इन दोनों ने, इसने दो ही तोड़े, मैंने बहुत सारे तोड़े, और मैंने तो कुछ काम नहीं किया, यही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो चलते हैं अभी फटाफट से, इन सबको देते हैं दो दो दाने, क्योंकि इस बार हमारी माल्टा की खेती जो पेड़ हैं वो दो ही हैं, तो इसमें बहुत कम थोड़े से यहाँ पर हैं और थोड़े बहुत यहाँ है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सब लोगों को जो भी हमारे घर पर आता है उनको हम देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इन सबको बांटते हैं। नाटक बाद, तो ये जाने लगी है मोटी, ये भी आई थी कल। इसके नाटक ही पूरे नहीं होते, अभी अभी इतना हंस रही, अभी देखना कि काट पाड़ेगी, कि काट है? आज की काट पाड़ेगी, तो कैसे की काट पाड़ेगी जो? आज तो मेरी दोनों बेटियां यहाँ मिली हैं मेरे को, ये बेटियां हैं इसकी, उधर को मुंह कर, कहता है छोटा फोन, अरे अरे डांट छोटा, डांट मार, ओके ठीक है, नाटक बात। तो कल जो हमने सुंदरकांड का पाठ किया था उसमें मेरी मौसी, ताई जी, मम्मी, बुआ, बहुत सारे लोग आए हुए थे, जो कि आप लोगों ने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा। आज ये सब लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं और इनकी वजह से थोड़ा सा माहौल अच्छा हो गया था घर में, और अब सब लोग अभी उदास होंगे, तो साथ में अभी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने अपनी गाड़ी धोनी है क्योंकि बड़ी बहन को भी पहुंचाना है, तो इसलिए अपनी गाड़ी धोकते उसको पहुंचाएंगे। मौसी भी चली गई है, और आज का मौसम कुछ ऐसा है, और वेदर रिपोर्ट में ये दिखाया जा रहा है कि कल बहुत तेज बारिश होने वाली है। क्या पता भगवान राम जी के भव्य मंदिर बनने की खुशी में हम जैसे गांव वाले जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी फसल बहुत बेकार हो रखी है बिना बारिश की। जो नीचे को है ना वो सब सूखने स्टार्ट होगी। यहाँ पर थोड़ा सा पानी की वजह से थोड़ी सी हरियाली दिखाई दे रही है, तो क्या पता आसमान कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, बारिश हो जाती है तो ये जो गेहूं और जौ की फसल है और इसमें सरसों लगाया है वो क्या पता अच्छा हो जाए। तो भगवान सूर्य देव आज थोड़े से मंदे हैं और चारों ओर बादल है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों मौसी के चले जाने के बाद अब जो कल हमने कार्यक्रम रखा हुआ था
तो उसका सबसे पहले यह घड़ा है, इसका विसर्जन करते हैं। और इसका विसर्जन ऐसी जगह पर किया जाता है, या तो फूल के जड़ पर या तो फल के जड़ पर इसका विसर्जन किया जाता है। तो इसका विसर्जन करते हैं। तो दोस्तों विसर्जन हो गया है, और विसर्जन में जो भी इसमें डाला हुआ था सामग्री वो मैंने जड़ पर लगा दिया, और जो इसमें ये कपड़े यूज होते हैं वो हमने इसमें बांध दिए हैं चुप के उसमें। यहाँ पर ये दोनों चूक बना रहे, चूक नींबू, ये नींबू बनकर तैयार है। इसमें इसने मिर्च गुड़ और मिर्च और धनिया धनिया आज की कुक में, और ये है भांग का नमक। दोस्तों तैयार हो गया है पहाड़ी चूक। आज तो बहुत सुंदर हो रहा है नींबू, ये चूक है मिक्स करके, और इतना प्यारा। और आज पूरा परिवार हम सब लोग चूक खा रहे हैं, बहुत ही सुंदर। ये मेरे लिए आ गया है, और मम्मी के लिए ये बखल पर, ये बगल में वो है अपने लिए, इसके नीचे से ना छी डाल जवाब कटोरा। तो दोस्तों चूक खाने के बाद अब नीचे वाले मकान के पास आ रहा हूँ, साथ में भैंस को धूप में बांध देंगे। और मैं जा रहा हूँ, कल था रामायण गांव में, तो उसका पारायण है तो वहीं जाते हैं। कल तो हमारा सुंदरकांड था, तो आज मैं रामायण के पारायण में जा रहा हूँ। तो देखते हैं कितने लोग जुड़ रहे हैं वहां पर, कितने लोग और कैसा हो रखा था, क्योंकि कल टाइम नहीं मिला, तो कल तो मेरे यही फंक्शन था। तो सामने बहन, यहाँ पर गांव में रामायण का पाठ था, तो अभी धीरे धीरे हवन की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर हवन हो रहा है, ये देखिए। तो भगवान राम जी के आने की खुशी में सब लोग, हम गांव वाले भी और घर में भी, आप लोगों ने देखा तो हम सब लोग खुश हैं, और यहाँ पर अपने ओर से बढ़ चलकर हिस्सा ले रहे। तो दोस्तों सूर्यास्त भी होने लग गया है, और आप सभी को आज के व्लॉग में यहीं पर तक सफर अपना पूरा करता हूँ, और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम भवे। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।